पहले कुमाल अंजनानी और फिर ईमान विलानी, एक के बाद एक पाकिस्तानी ओरिजिन एक्टर्स मार्वल के सुपर हीरो लिस्ट में एंट्री करते जा रहे हैं और फाइनली डिज्नी हॉटस्टार पर मिस मार्वल का पहला एपिसोड आ गया। ब्लाइंडिंग लाइट्स के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तभी से मार्वल फैंस इसके लिए काफी एक्साइटेड थे। अब सवाल ये है कि ये सीरीज मूनलाइट, डेयर डेविल, लॉकी के टक्कर की है या फिर डाइवर्स सुपर हीरोज को लेकर मार्केटिंग गिमिक। चलिए पता करते हैं। कहानी है यूएस में रहने वाली पाकिस्तानी ओरिजिन की लड़की कमाला खान की। मम्मी, पापा, भाई, बहन, हंसता खेलता इंडियन परिवार, मतलब पाकिस्तानी परिवार। वैसे गौर से देखो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। पाबंदियां हिंदुस्तानी माँ बाप भी लगाते हैं और पाकिस्तानी माँ बाप भी। पार्टी में जाने की इजाज़त लेनी हो तो दोनों देशों की माँ पूछती है वहाँ लड़के कितने आएंगे। खैर, कमाला की जिंदगी भी ऐसी ही चल रही थी। सिंड्रेला को पार्टी में जाना था और अपनी कमाला को एवेंजर्स कॉन में। लेकिन ये रेगुलर सी जिंदगी अपसाइड डाउन टर्न ले लेती है जब कमाला को मिलता है अपनी नानी जान के पुराने रखे सामान में जादुई ब्रेसलेट। कहानी में और क्या क्या है वो तो आप खुद देख लेना, सब बता दूंगी तो कैसे चलेगा भाई। हम बात करते हैं इसके लो पॉइंट्स और हाई पॉइंट्स की। लो पॉइंट्स हैं सेम ओल्ड स्टोरी, एशियन लड़की जो माँ बाप के बंदिश में रहती है। वेस्ट के लिए मजे लेने वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है भाई, हमारे यहाँ ये रियलिटी है। कमाला को जिस तरीके से पावर्स मिलती है उसका भी तरीका कोई नॉवल नहीं है। घर के पुराने रखे सामान में मिला मैजिकल ब्रेसलेट, कुछ नया सोच लो। इससे बेटर तो अलादीन को जिन मिलने वाली कहानी है, मतलब मार्वल लेवल नहीं था। इसका पहला कॉमिक्स आया था 2014 को, तब तक कॉमिक्स पढ़ने वाली हमारी उम्र निकल चुकी थी, तो आई कांट कॉमेंट कि ये सीरीज कॉमिक्स जैसा है या कुछ चेंज किया गया है। वैसे पहले एपिसोड से ये वाली सीरीज बहुत ज्यादा ट्विस्टेड नहीं लग रही है। हाई पॉइंट्स हैं अच्छी एक्टिंग, ईमान एज कमाला, मोहन कपूर एज हर अब्बू और ज़िनोबिया श्रॉफ एज हर अम्मी, तीनों ही अपने कैरेक्टर्स के साथ फुल जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। स्पेशली ईमान का इनोसेंस हर फ्रेम में निकल के आता है। अच्छा है सीन्स के साथ बैकग्राउंड में एनिमेशन का प्ले जो स्क्रीन प्ले में मक्खन के जैसे सिंक्ड है। और आगे के एपिसोड में फवाद खान और फरहान अख्तर के रोल भी रहेंगे जो इस सीरीज के साथ मार्वल की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। अब रोल की लेंथ क्या होगी वो तो आप देख के पता कर लेना। देखना ये है कि आगे कुछ नींद उड़ाने वाला एक्साइटमेंट होगा या टीनेज सुपर हीरोइन वर्सेस विलन जिसे शायद इस ब्रेसलेट की चाहत हो वाली सिंपल स्टोरी। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं पसंद आया तो माफ़ कर दीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।